टीकमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रथम सम्मेलन व शपथ ग्रहण समारोह को भवायोजन। टीकमगढ़ जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बहुमित्र राहुल सिंह और उपाध्यक्ष श्याम रतन तिवारी व जिला पंचायत के सदस्यगण को शपथ ग्रहण समारोह और प्रथम सम्मेलन उत्सव भवन आयोजित करोगा। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र के समीप दीप प्रज्वलन करके करी गई और जिसके बाद मंजस सिंह अतिथियों को सम्मान करोगा है। इस दौरान खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने अपनी पत्नी उमिता सिंह का पुष्पहार पहना के उनको सम्मान करो तो तई उमिता सिंह द्वारा भी राहुल सिंह का पुष्पहार पहनाओगा। सम्मान श्रृंखला के बाद नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष व सदस्य का पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई गई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिला पंचायत टीकमगढ़ उमिता राहुल सिंह ने कही कि जिला में प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए पानी की समस्या ज्यादा नजर आई। महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था करी जाए और इसके संगे सबसे बड़ी समस्या पलायन की सामने आ रही है। क्षेत्र में रोजगार के साधन न होने के कारण पलायन की बात सामने आते हैं और एक लेके विशेष ध्यान दो जाए क्षेत्र के लोगों का रोजगार प्राप्त हो सके ताकि वे पलायन ना करें और इस पर विशेष जोर दो जाए। साथ ही विकास कार्य की कमी ना आवे दी जाए और जिला की जनता का शासकीय योजनाओं को लाभ सुनिश्चित कराओ जाए। क्षेत्र की जनता की परेशानी उनकी और जनता की परेशानी का दूर करो जाए। जनता ने जो विश्वास उन पे करो है वे पूरी निष्ठा के संगे साकार करो जाए। और इस दौरान पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ, खरगापुर विधायक राहुल सिंह, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल यादव, ब्रजेंद्र वीरपुरा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष उमिता राहुल सिंह लोधी, उपाध्यक्ष श्याम भक्ति तिवारी, जिला पंचायत सदस्य सुषमा यादवेंद्र सिंह बुंदेला, अखिल भारतीय लोधी महासभा की जिलाध्यक्ष शिवकली लोधी व सुशीला राजपूत सहित मातृशक्ति व सभी जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। जहां आपको बता दें कि जिला पंचायत सीओ सुदेश मालवीय, जनपद सीओ सहित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। भाभी आज जो आपने जिला पंचायत सदस्य सदस्यता ली है और आगे क्या होते हैं? मेरा पहला जो है वो महिलाओं के प्रति है, क्योंकि मैं चुनाव में मैंने देखा है लोगों को पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। खास महिलाएं पानी की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है। कई जगह तो पानी मतलब नल योजना आने के बाद भी वहाँ पानी नहीं आ रहा, तो मेरा जो सर्वप्रथम है वो है महिलाओं के लिए पानी की व्यवस्था करना। उसके बाद बच्चों के स्कूल की व्यवस्थाएँ जो हैं, क्योंकि प्रचार के दौरान हमने देखी स्कूलों की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। मुझे ये समझ में नहीं आता बच्चे पढ़ कैसे रहे हैं। स्कूलों की व्यवस्था हमें ठीक करना है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक करना है। और तीसरा जो मुख्य हमारा है, प्रथम कह दीजिए मनेर का जो चल रहा है, इसमें जो धांधली चल रही है उनको रोकना और पलायन को रोकना। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। हम चाहते हैं कि लोगों को गाँव में ही रोजगार मिले, तो हमारा सबसे प्रमुख जो है वो ये है कि लोगों को हम रोज़गार यहीं दें ताकि वो कहीं और नहीं जाएँ, अपने ही गाँव में रहें। खास रिपोर्ट बुंदेलखंड ट्रिपल के संवाददाता टीकमगढ़ से सूरज लोधी की। तो ऐसे ही खबरें जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय राम जी की। जय बुंदेलखंड।